नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। 15 सितंबर को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के तौर पर मनाती है। यह लोकतंत्र की मौजूदा तस्वीर का मूल्यांकन करने का एक मौका भी है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस संसदीय चैनल पर चर्चा करना हमारी जिम्मेदारी भी है। वैसे लोकतंत्र को ही सबसे कम त्रुटिपूर्ण शासन व्यवस्था माना जाता है। 125 करोड़ आबादी, 81 करोड़ वोटर और भागीदारी जैसे कई पहलुओं के चलते भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया में एक मिसाल है। दुनिया भर की मौजूदा तस्वीर देखेंगे तो यह बात आपको बेहतर समझ आएगी। लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में हमारे यहाँ पिछले 6 दशक में कई प्रयास भी हुए हैं। चुनाव सुधार, सहभागिता, जवाबदेही और हर 5 साल में जनता के वोट देने की ताकत इसके कुछ उदाहरण भर हैं। वैसे ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि देश की जनता एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री चुनती है पूर्ण बहुमत के साथ। ऐसे कि चुनावी इतिहास के पिछले कई रिकॉर्ड टूट जाएं। लेकिन क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव और राजनीति भर है या इससे कहीं ज्यादा? क्या लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत यहाँ सही साबित होते दिखते हैं, यानी रूल ऑफ लॉ, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और जनता की भागीदारी? क्यों हम भारतीय लोकतंत्र पर गर्व करें? भारत जैसे मुल्क में जहां हर तीसरा भारतीय युवा है, उसके लिए इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र से उसकी अपेक्षाएं क्या हैं? देश की आधी आबादी इस खूबसूरत लोकतंत्र में खुद को कहां खड़ा पाती है? लोकतंत्र को बेहतर बनाने में हम एक नागरिक के तौर पर और क्या कुछ कर सकते हैं? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इस विशेष प्रस्तुति में। और इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं 5 बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ हैं एडीआर संस्था के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। एडीआर वो संस्था है जो बताती है कि भारतीय राजनीति किस ओर जा रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर साहब। आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संपादक हैं दैनिक भास्कर समाचार पत्र के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अभिलाष जी कार्यक्रम में। और दूसरी तरफ युवा जनप्रतिनिधि भी हैं, राजनीति से जुड़े सक्रिय लोग भी हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रिया डवास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी आपका। और हमारे साथ NSUI से, या कहें अब युवा कांग्रेस से, हेमंत भारद्वाज भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ अलग अलग विश्वविद्यालय से आए छात्र छात्राएं भी हैं जो इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी राय जाहिर करेंगे और जो सवाल हैं वो भी वो पूछेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत आलोक सर आपसे करना चाहेंगे, जो एक बुनियादी सवाल, भारतीय लोकतंत्र पर गर्व करने के लिए क्या वजह आपको नजर आती है? सबसे बड़ी वजह तो समझिए, हम जैसे लोग जो बहुत कहीं ऐसे गांव से जहां स्कूल भी 5वीं के आगे नहीं होता था, वो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं और हमारी पंचायतें, दुनिया के इतने देशों में हमें जाने का अवसर मिला है और आज जब हम पूरे इस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर बात कर रहे हैं, ये ठीक है कमियां हैं। वो कमियां तो ब्रिटेन में भी इससे ज़्यादा कमियां हैं, अमेरिका में भी हैं, जापान में भी आप दृश्य से दिखाई देते हैं जिसके बारे में हमारी आलोचना होती है। लेकिन मुझे लगता है हमारे यहाँ, हम तो कहें आज़ादी के बाद, आज भी जितने बड़े पैमाने पर गाँव में पंचायतें हैं उतना दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है। ठीक। दूसरी बड़ी उपलब्धि है महिलाओं की भागीदारी। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन चुकी है, लोकसभा अध्यक्ष बन चुकी है, एक बार नहीं दोबारा भी बनी। ये जो उपलब्धि है, ये कई देशों में हम देखा कि 50-50 साल तक उनका तो कोई प्रधानमंत्री भी महिला नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। राष्ट्रपति तो बना ही नहीं अमेरिका में, जिनको हम विकसित देश मानते हैं, जो विकसित देश सबसे बड़ा माना जाता है वहां राष्ट्रपति का पद नहीं मिला है। चीन में जो हमसे भी बड़ी आबादी वाला देश है उसको तो लोकतंत्र में नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो तो कहते हैं कि हम भी अपना एक ढंग से, अपने ढंग से लोकतंत्र उनका है। उनके पास भी कोई महिला राष्ट्रपति अभी तक नहीं बनी है। तो हमें इस बात पर गौरव करना चाहिए कि लोकतंत्र में गांव से सुदूर लोग आए हैं, संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, लोकतंत्र में जितनी आशाएं अपेक्षाएं थी उतनी नहीं है, लेकिन ये एक विश्वास बनाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और जो बहुत हद तक सफल है, संगठित है। 67 वर्ष बाद भी हम आज भी एकजुट हैं, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। और ये जो पहलू है ये काफी अहम है, क्योंकि जब हम अपने आसपास बाकी लोकतांत्रिक देशों में देखते हैं तो स्थितियां कुछ बदली हुई नजर आती हैं। अभिलाष सर, आपको भी लगता है कि बहुत सारे पहलू हैं जिस पर गर्व किया जा सकता है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में? निश्चित रूप से, यदि आप देखें आज हमारी जो 16वीं लोकसभा है, तो लगातार चुनाव हो रहे हैं, लगातार लोकतंत्र का जो मंदिर जिसे बोला जाता है इस लोकसभा में लगातार चुनाव होकर अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग चुनकर आते हैं, हम उसे अच्छा कहें या बुरा कहें उसमें, लेकिन फिर भी एक बार यदि आपको याद हो तो फूलन देवी भी इस लोकसभा में सांसद रह चुकी थी, ठीक है, काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन वो लोकतंत्र के जरिए से ही चुनाव लड़ते हुए ऊपर आई। वो अपराधी थी, उसके खिलाफ अपराध थे, लेकिन मुद्दा ये है कि एक बड़ा उद्योगपति हो
या एक छोटा सा सरपंच हो, यदि वो आज लोकसभा का चुनाव लड़ने की उसके पास दृष्टि हो या उसके पास सपना हो और बाकी सारी स्थितियां यदि उसके अनुकूल हो, तो आज वो लोकसभा के सर्वोच्च मंदिर में वो आ सकता है और जनता की सेवा कर सकता है। मूल बात लोकतंत्र की ये है कि चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या राज्यसभा का सांसद हो या और किसी हाउस का मेंबर हो, वो यदि वहां से जनता के लिए कुछ कर सकता है तो यही लोकतंत्र की मजबूती है जो हम पिछले 67-68 साल से भारत में देख रहे हैं। उसमें कुछ कमियां निश्चित है, कमियों को दूर करने के प्रयास समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र हमारा आज पूरी दुनिया में लोग भारत की तरफ देखते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो किस तरीके से फंक्शनिंग डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जगदीप सर, आपसे भी समझना चाहूंगा, सर आप अब दस्तावेज भी लाए हैं यूएन के अपने साथ, लेकिन लोकतंत्र की भी जो परिभाषा है और यूएन भी जिस तरीके की बात करता है लोकतंत्र को लेकर, आपको लगता है कि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जहां पर हम फिट बैठते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है और मेरे दोनों साथियों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं देश के लोकतंत्र के बारे में। मैं भी देश के लोकतंत्र पर बहुत गर्व करता हूँ और आपने कहा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें अगर हम देखें तो स्थिति कुछ फर्क है जी। उसके साथ साथ एक दूसरा आंकड़ा भी है, जितने देशों को सन 40-50 में आज़ादी मिली थी कॉलोनियल रूल से, उनको अगर आप देखें दुनिया में जितने हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसमें लोकतंत्र शुरू से अब तक चलता आ रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है सबसे सफल लोकतंत्र। हाँ, तरीके से भारत के लोकतंत्र को सफल कहने में कोई शंका है ही नहीं, लेकिन भारत का लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जो ये नहीं कह सकते कि अब ये सफल हो गया अब आराम से सो। बिल्कुल, लोकतंत्र अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। यही खासियत, ये एक सफर है जो हम लोगों ने 67 साल से तो तय किया और आगे पता नहीं कितने साल, सैकड़ों साल तय करेंगे। बिल्कुल, उन 67 सालों में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये दिखता है मेरे ख्याल में, एक तो ये है कि गिलास पानी का आधा भरा है कि आधा खाली है। बिल्कुल, नजरिए के ऊपर। मेरे दोनों दोस्तों को गिलास आधा भरा हुआ लग रहा है मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे वो आधा खाली दिखता है। ठीक है, लेकिन खाली है लेकिन आधे में पानी तो है ना। बिल्कुल, तो अगर पीछे मुड़ के देखें तो 67 में से करीब 30-35 साल ऐसे गुजरे जिनमें लोकतंत्र की नींव सुदृढ़ रखी गई। उसके बाद से बहुत आहिस्ते आहिस्ते कुछ ऐसी मजबूरियां नहीं, ऐसे चाहते ना चाहने की बात नहीं है जी। ऐसे सरकमस्टेंसेस ऐसे बने हाँ। कि लोकतंत्र की जो नींव और जड़ है वो कमजोर हुई है। ठीक है, और आज की तारीख में हालांकि मैं जिस संस्था से काम करता हूँ वहां 15 साल हमको हो गए जी, लेकिन 15 साल में ये तसल्ली नहीं है कि लोकतंत्र की जड़ और नींव पूर्णतया सुरक्षित है। बहुत से ऐसे काम हैं जो सर, करने पिछले है। साल भी हमने 15 सितंबर पर चर्चा की थी और आप हमारे साथ थे। 15 सितंबर 2013 है और 15 सितंबर 2014 है, इन बीते एक साल में क्या आपको लगता है कि स्थितियां कुछ बदली हैं या सुधरी भी हैं जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस लिहाज से? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना। बहुत से अच्छे काम हुए हैं, काम नहीं हुए, अच्छी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से कारगर अभी तक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से फैसले दिए, राजनीतिक दलों ने बहुत से बयान दिए हाँ। और कुछ ऐसे काम हुए कि लगता है कि बस हो गया हाँ। लेकिन फिर वो कहते हैं हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई तो पहले वो पूंछ रह जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा हाथी पीछे चला जाता है हाँ। तो ये एक जद्दोजहद चल रही है। ठीक है, ये भी खूबसूरती है लेकिन लोकतंत्र की हाँ। किसी भी समाज में ऐसा ही होता है। ठीक बात है, ये नहीं है कि कोई, मैं तो उनमें से हूँ जो भारत की लोकतंत्र की स्थिति से कभी पूर्णतया खुश नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है संभावना बनी रहती है और ज्यादा सुधारने की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है और इतना आसान है सुधारना। आसान भी है, बहुत आसान है, लेकिन कोई करना तो चाहे। ठीक है, ये दिक्कत प्रिया जी, आप ये तो जी कि बिना किसी खूनी, जिसको कहते हैं हिंसा होती थी हमारे हाँ। चुनावों में भी, यदि आप खूनी क्रांति की बात शब्द उपयोग न भी करें, ठीक बात है, लेकिन उसके बिना जितने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के चुनाव और हाल के लोकसभा चुनाव, बिल्कुल कम से कम हिंसा के बिना हुए हाँ।
ये भी मेरा ख्याल है जगदीप जी मानेंगे कि ये अपने आप में उपलब्धि है। उपलब्धि हमारे इस प्रोसेस में ज्यादा बड़ी भागीदारी, हाँ, लोगों ने वोट में मतदान में जितनी बड़ी भागीदारी बिना खून खराबे के, बिल्कुल कुछ घटनाओं कुछ रिकॉर्ड मतदान का प्रतिशत रहा है इस बार 16वीं लोकसभा में जो अब तक का रिकॉर्ड। लोग जी उत्तेजित करते हैं लोगों को, मुझे भी कर रहे हैं और मैं हो गया हूँ। बिना खून खराबा हुए हमारे देश में सरकारें बदली हैं, ये खूबसूरती रही, ये खूबसूरती है, हाँ। हमारे चुनाव में भागीदारी लोगों की बढ़ी है, ये खूबसूरती है। चुनावों में जो हिंसा होती थी वो कम हुई, नहीं होती, हाँ। ये खूबसूरती है, लेकिन लेकिन जरूर आएगा, मतलब कम हुई है, लेकिन पे ज्यादा जोर, लेकिन हमारे चुनाव में जितनी फोर्सेस लगती हैं, आर्म्ड फोर्सेस लगती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा और ये उत्तेजक पूर्ण बात है, हाँ। कि इज दिस ए बैटल ऑफ द बैलेट और द बैटल ऑफ द बैलेट इज फॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द बुलेट। ठीक है, चुनाव होने में सैकड़ों फोर्सेस की जरूरत क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि इस तरीके की स्थिति में चुनाव हो। लेकिन प्रिया जी, आप किस तरीके से देखती हैं अब तक के इस सफर को, और अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में ही आपके अनुभव को समझने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि हाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं और संभावनाएं रहेंगी हमेशा। ये एक प्रोग्रेसवादी विचारधारा है कि ये कभी बदल नहीं सकती, इसमें हमेशा परिवर्तन की गुंजाइश रहेगी। और जैसा कि सर ने कहा कि लेकिन, जैसा उन्होंने उस पर वर्ड पर ज्यादा जोर दिया, तो जब तक लेकिन नहीं होगा तो हम सुधार कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हम विपक्ष को भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष जब रहेगा तो सरकार सही दिशा में चलेगी। और जहां तक लोकतंत्र की बात है तो मैं दो चीजों पर बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगी कि लोकतंत्र में हम कैसे जीते हैं, इस चीज का एक उदाहरण है, और लोकतंत्र को कैसे सर्वाइवल में रखा जाता है, इसका भी एक उदाहरण है। जैसे कि अब आप पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के तहत बड़े बहुमत, जितना भी उन्हें बहुमत मिला उस हिसाब से उन लोगों ने सरकार बनाई। लेकिन अब नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जो है, जो वहां की अस्थिरता लगातार, हाँ, अस्थिरता लगातार बनी हुई है। लोग उन्हें मतलब लोकतंत्र में आने के बावजूद भी लोग उन्हें सर्वाइव नहीं करने देना चाह रहे, सरकार नहीं चल पा रही वहां पर। तो एक तो है लोकतंत्र को आप कितनी मजबूती से स्थापित करते हैं और उसे चलाते हैं। हेमंत जी, अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या वजह है कि यूथ कांग्रेस में हेमंत भारद्वाज जैसे चेहरे बहुत ज्यादा नहीं है? मतलब आपके साथ जो सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछा जाए कि भाई पॉलिटिक्स में आओगे आप, तो उनको लगेगा कि नहीं, दूर से ही ठीक है। सर, चक्कर क्या होता है कि जो ऊपर लेवल के लोग बैठे हुए हैं, हाँ, वो नीचे के लोगों को उठने नहीं देते कभी ऊपर। अरे वाह, ये चक्कर हो जाता है। खुल के स्वीकार रहे हैं इस बात को, बिल्कुल जी। ये केवल आप ही के संगठन में है या ये हर पार्टी के अंदर है जी? आपके पार्टी में नहीं, हर पार्टी के अंदर है। हम कार्यकर्ता की तरह रह जाते हैं, हमें सिर्फ भीड़ इकट्ठे करने की जरिया माना जाता है सिर्फ। क्यों, तो ऐसा कभी दुख होता है कि क्या इसीलिए आए हैं? बहुत दुख होता है। हम मेहनत करते हैं, हम जिताते हैं कैंडिडेट को, हर तरीके से उसके साथ लगते हैं, लेकिन बाद में बनने के बाद वो भूल जाते हैं हमें। ठीक है, तो आप कार्यकर्ता से और ज्यादा आगे जाना भी कहाँ चाहते हैं? मतलब महत्वाकांक्षाएं आपकी भी हैं? महत्वाकांक्षा जी सबकी होती हैं, जो कुछ एक बंदा मेहनत कर रहा है तो चाहेगा आगे बढ़े। ठीक है, नहीं आप इतनी साफ गोई से बात रख रहे हैं, हाँ, बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। खामियाजा भी ये भुगतना पड़े इन्हें। ठीक है, नहीं अभी नतीजे आ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद, हेमंत जी माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो युवा तबका है वो क्या कुछ सोचता है लोकतंत्र को लेकर, उसकी क्या राय है, उसके क्या सवाल है, ये भी जानने की कोशिश एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं युवा लोकतंत्र। आज ही के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम भी यहाँ इस विशेष प्रस्तुति के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र के मायने क्या हैं, किस तरीके से ये सफर अब तक रहा है, किस तरीके की चुनौतियां हैं, और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। अभिलाष जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो सिर्फ चुनाव और राजनीति पर आकर कई बार चीजें सिमट जाती हैं। आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ यहीं तक नहीं है, लोकतंत्र का मायना और लोकतंत्र के दायरे काफी ज्यादा व्यापक हैं? तो पहले शुरुआत में हम बात करें तो ये लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये बात नहीं है कि हमने चुनाव हो, राजनीतिक लोगों ने या राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़े और वो अलग अलग हाउसेस या अलग अलग उसके लिए जीत कर आए, लेकिन लोकतंत्र के जो चार मजबूत पिलर्स हैं
जिसमें प्रेस भी एक या मीडिया भी एक है, तो उन चारों पिलर्स को मिलके, उन चारों खंभों को मिलकर लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। तो उन चारों की तरफ भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक भी पिलर गड़बड़ा जाता है तो लोकतंत्र अपने सही मायने में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो उसके मायने भी हमको देखना पड़ेंगे कि आज यदि हमारा लोकतंत्र इतने वर्षों बाद यहाँ खड़ा है तो बाकी तीन पक्षों ने या बाकी तीन स्तंभों ने, जैसे फोर्थ स्टेट बोलते हैं या थर्ड स्टेट बोलते हैं, तो इन लोगों का या इन संस्थाओं का, इनसे जुड़े हुए लोगों का भारत के परिप्रेक्ष्य में या बाकी देशों के परिप्रेक्ष्य में भी क्या उनका योगदान रहा है, ठीक है। इस संबंध में भी हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत में यदि हमारा लोकतंत्र, यदि आज हम कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि सफल है, थोड़ा सा आधा ग्लास खाली है, तो बचा हुआ ग्लास कब तक पूरा होगा, जब तक उसमें कब तक पानी आएगा या उसमें कब तक उसी चीज आएगी, ठीक। तो ये बाकी तीनों चीजों पर निर्भर करता है कि हमारी न्यायपालिका कैसी है, हमारी एग्जीक्यूटिव कैसी है, हमारी प्रेस कैसी है, इनकी आजादी कैसी है। ये सारी चीजें संविधान में लिखी हुई है, संविधान के अनुसार बहुत सारा काम होता है, लेकिन फिर भी जो समाज में जिसे अंतिम व्यक्ति कहते हैं या ए मैन ऑन द स्ट्रीट, उसको न्याय मिल रहा है क्या? और न्याय मतलब कोर्ट का न्याय नहीं है, क्या उसको पानी मिल रहा है, उसको सब्जी मिल रही है, उसको शिक्षा मिल रही है, उसको बाकी सारी बुनियादी जरूरतें, ये बुनियादी जरूरतें जब तक पूरी नहीं होती, जिसके बारे में लेजिस्लेशन बनते हैं हाउस में, जिसको लोकतंत्र का बहुत बड़ा वो कहते हैं, तो वो उसके परिणाम परकोलेट नीचे तक हो रहे हों, ये भी देखना जरूरी है, लोकतंत्र सही मायने में फंक्शनिंग। लेकिन आलोक सर, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो लोकतंत्र के चार स्तंभ और यहाँ पर नियंत्रण और संतुलन, आपको लगता है कि यहाँ कम से कम स्थिति ठीक रही है? ठीक भी रही है, लेकिन देखिए सामाजिक क्रांति कहें, कंप्यूटर क्रांति कहें और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति कहें, जिस सम चैनल में जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, उस दृष्टि से लक्ष्मण रेखाओं की आवश्यकता भी है हमारे इस लोकतंत्र में। जैसा अभी आप कहा, न्यायपालिका में सुधार की बात भी आ रही है, अभी भी न्यायपालिका, कई जगह न्यायिक सुधार आयोग बन रहे हैं, तो इसी तरह से मीडिया में भी हमारी अपनी लक्ष्मण रेखाएं कहीं कहीं हम लांघने लगे हैं जी। उसलिए हमें, मैं एक बात कहूंगा संक्षेप में, कि हमारे कर्तव्य भी, जितने अधिकार हमारे संविधान में हमें मिले हैं किसी चारों स्तंभों को, बिल्कुल, वो उसके साथ कर्तव्य से हम कहीं कहीं, जो धनखड़ साहब भी कह रहे थे, सही बात यह है कि उनमें कहीं ना कहीं हम गड़बड़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे, जब जैसा मैंने शुरुआत की थी कि यदि मैंने किसी ऐसे गाँव के स्कूल से किया, तब हमें श्रमदान हमारे पिता सिखाते थे जी। आज यहाँ इतने युवा हैं, दिल्ली में शायद उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन अब छोटे, आप यदि अभिलाष जी से पूछेंगे किसे हरियाणा में या मध्य प्रदेश में, अब स्कूल कॉलेज में श्रमदान करने वाली संख्या बहुत कम हो गई, कम है, न के बराबर हो गई। तो हमें कर्तव्य, हमें लोकतंत्र पर हम जब गौरव कर रहे हैं आज के दिन या पूरे वर्ष, पूरे जीवन में उसके लाभ उठा रहे हैं, हम कर्तव्य के बारे में अपने साथियों को, अपने युवाओं को उतना अवगत नहीं करा रहे, और उसकी वजह मैं खुद पालन नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं खुद कहूंगा कि मैं सफाई, जो आज मोदी जी ने कहा है, सफाई रखूं, तो पहले मैं अपने घर सफाई शुरू करूं ना, मैं कचरा ना फेंकूं। मैं कहूंगा अविनाश जी की कारपोरेशन ने क्यों नहीं किया, बीजेपी की कारपोरेशन ने नहीं किया, कांग्रेस के फलाने विधानसभा ने नहीं किया, ठीक है। उसके बजाय हम अपना कर्तव्य निभाएं। जो युवा वर्ग है वो भी क्या कुछ सोचता है, आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। मैं छोकर जी और आलोक मेहता जी के सवाल मेरा है कि पहली बात तो कि आज का जो लोकतंत्र की जो स्थिति है उसके हम लोग एकदम संतुष्ट हैं, लेकिन आज़ादी के बाद और अब तक जो लोकतंत्र का जो स्वाभाविक बहाव रहा है, उसको कहीं ना कहीं सुधार के नाम पर या लोकतांत्रिक सुधार के नाम पर न्यायपालिका, मीडिया, वो एक तरह से बांध रही है, और बाउंडेड जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोगों के सामने लाया जा रहा है। लोकतंत्र में जनता को ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि किसे चुने किसे नहीं चुने, ठीक है। ये न्यायपालिका और मीडिया जो है वो मतलब छना हुआ, कैंडिडेट छना हुआ जा रहा है, ठीक है, कि जो हम देंगे, जो हमारे कसौटी पर जो खरा चाहेंगे, ये गलत है। आलोक सर देखिए, ये आपने सही कहा, प्रक्रिया है जैसे अपराधी पृष्ठभूमि के लोग ना आए। मैं फिर वही बात जो पहले दीदी ने कही थी कि किस तरह से, क्यों आर्मी की या पुलिस की जरूरत होती है चुनाव के समय में, कैसे अच्छे उम्मीदवार की जरूरत होती, ठीक है, फूलन देवी भी चुन के आए जब सुधार उनका हुआ, ठीक है, लेकिन यदि कल तक जो अपराधी थे यदि वही चुनाव में आ जाते हैं, इसलिए अपराध माने चुनाव में हिंसा कम हो, या इसलिए जरूरत है, मैंने वो इलेक्शंस कवर किए हैं जब पूरे के पूरे गांव दलितों के खाली हो जाते थे, हमारे दिल्ली से लगे हुए आसपास के इलाकों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश खास करके, या बिहार में कुछ और इलाकों में भी देश भर में, और उनके नाम पर वोट दूसरे डाल देते थे। आज इसलिए पुलिस की और सुरक्षा बलों के कारण, या मैं जम्मू कश्मीर में भी मैंने देखे इलेक्शन की कतार लगती थी, दूसरा कोई आ ही नहीं पाता था। आज इसके बाद इसलिए इसको ऐसा ना कहें कि वो बिल्कुल गाइडेड वो है, खाली ये है कि हम आप में से भी यदि कोई चुनाव लड़े तो सुरक्षित हो, बिना पैसे के, कम खर्च से हो सके, इस बात के लिए सुधार की जरूरत है, ठीक है, और ये दबाव या नियंत्रण जरूरी है। जगदीप सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहना कि न्यायपालिका और मीडिया
प्रेस चुनाव को एक घेरे में बांध रही है कि हमारे अप्रूव किए हुए कैंडिडेट चुने जाएं, बल्कि जनता को यह अधिकार है कि जिसको मर्जी चुने। बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि जनता को कितना अधिकार है इसके बारे में भी जरा सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से चुनाव क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें 3, 6, 7 पृष्ठभूमि आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार होते हैं। तो विकल्प ही क्या बचते हैं? तो जनता को कितना विकल्प है वो एक बात अलग है, उस पर चर्चा अलग से हो सकती है। ठीक है, लेकिन उम्मीदवारों का चुनाव राजनीतिक दल करते हैं, और ये जो आपने शुरू में कहा था मैं लेकर आया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है जी। इसमें ये लिखा है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज फाइनेंसेस फंडिंग एंड एथिक्स मस्ट बी प्रॉपरली रेगुलेटेड इन एन इम्पार्शियल मैनर इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बिल्कुल, जो रेगुलेटेड है लोकतंत्र भी अनरेगुलेटेड या बेलगाम नहीं हो सकता। हर कोई भी सामाजिक परियोजना है उसमें कुछ सीमाएं होती हैं, नियंत्रण जो आलोक का लक्ष्मण रेखाएं हैं। बिल्कुल, लक्ष्मण रेखाएं मेरी समझ में तो यह आता है कि उनको जमीन पे खींचा नहीं जाता। ठीक बात, उनको समझा जाता है, समझने की बात है। कुछ और सवाल हैं सर, वो भी जरा ले लेते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं 2-3 पॉइंट शॉर्ट में रखूंगा। हम लोगों का ये जो डिबेट चल रहा है, डिबेट डेमोक्रेसी के दो आयाम हैं। एक आयाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दूसरा आयाम है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। पूरा का पूरा डिबेट हम लोग अभी तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ ही लेके जा रहे हैं, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में डिबेट डिस्कशन और डेलिब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके माध्यम से हम अपने बीच के एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगल बगल मेरे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग ये चीज डिबेट डिस्कशन डेलिब्रेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे नहीं अलाउ कर रहे हैं। वही चीज पार्लियामेंट में भी नहीं अलाउ हो रहा था। अगर वो पार्लियामेंट में नहीं अलाउ हो रहा है तो उसको उसका कंडेमनेशन है, लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पे नहीं अलाउ हो रहा है तो उसका कंडेमनेशन नहीं। आप कैसे कहेंगे कि पार्लियामेंट में नहीं हो रहा है? जैसे अभी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बारे में बात हुई या इंश्योरेंस के बिल के बारे में बात हुई, तो दोनों पार्टियों तीनों पार्टियों चारों पार्टियों अपने अपने व्यूज रखे, उसके ऊपर अंतिम जाके मोहर लगी किसी पे नहीं लगी, तो इसका मतलब डेलिब्रेशन डिबेट और ये सारी चीजें तो पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही है, उसको मतलब ही है। सर्टेन कुछ इश्यूज कुछ बिल्स को लेकर डेलिब्रेशन डिबेट डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कुछ बिल ऐसी हैं जो कि बिना डिबेट डिस्कशन के ही पास हो जाते हैं। एक बिल ऐसा बताइए जो आपको लगता हो कि बिना डिस्कशन के पास हो रहा है, जैसे महिला आरक्षण बिल था। ठीक है, या फिर जो है या बहुत सारे हम केवल राजनीति तक ही ज्यादा केंद्रित नहीं करते। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी पूछे। We really take pride that India is a large democracy in the world, and Modi is voted to power, BJP, and their student wing, that is ABBP, always resorts to violence, vandalism, hooliganism. We see, I come from JNU, it is very difficult really to vote for them. Always they resort to violence. I think we don't make any distinction from ISI or Indian Mujahideen. Cheek. So what is your take on it? Student organization, all the student organizations or only for BJP, ABBP? I think ABBP. आप ही पर सीधा? No, ये आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ ABBP को नहीं कह सकते, क्योंकि होती हैं छुटपुट चीजें हो जाती हैं इलेक्शंस के दौरान, तो ये चीज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट राजनीति में कम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा राजनीति से हम थोड़ा ऊपर उठते हैं, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीति ही नहीं है, और भी बहुत सारे पहलू हैं, और इस बार जो थीम है यूएन की वो युवाओं से ही जुड़ी हुई है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? My concern is primarily about the democratic participation of those students at the institutional level. ठीक है, in Delhi we have 3 central universities. We have JNU, we have Delhi University, we have Jamia Millia Islamia. जी. 2 universities have very functional student wings, but on the other hand there is Jamia. What bias is there? Isn't it an institutional bias that because they are in Jamia from last 8 years there is no election and completely there is the violation of the Lingdo recommendation.
why don't we talk about it? Why don't the ABP leaders here talk about the democratic participation of the students of the Jamia Millia Islamia University? There should be election hone chahiye, wahan par election hone chahiye. But it hasn't happened since last 8 years. Wo yahi keh rahe hain ki 8 saal se nahi ho pa rahe hain. Nahi, wo nahi ho pa rahe, lekin aap chahte hain ki wahan par ho. To aap wahan ke student hain. Sabse pehle aapka haq banta hai ki aap wahan par awaaz uthaye. अगर आप वहां पर आवाज उठाते हैं और बाकी लोग आपका साथ नहीं देते तो आप उन लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें पढ़ते हुए ही आवाज नहीं उठा रहे तो आपका साथ देने के लिए कौन आएगा? ठीक है, चलिए इससे थोड़ा हटते हैं, हम अभी भी राजनीति पर ही केंद्रित हैं। राजनीति के अलावा आपको लगता है कोई और सवाल आपके मन में? जी हाँ, मैं जेएनयू में पढ़ता हूँ लेकिन मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, बिहार के बिल्कुल प्रॉपर जो जहाँ पे न बिजली है न रोड सुविधा है, ऐसे बहुत सारे गाँव है जहाँ पर की अभी डेमोक्रेसी जो होता है उसके बारे में लेकर के जो गांव में लोगों का मानसिकता है उसको मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा एक स्टूडेंट हूं तो मैं जानता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय में आपस में हमारे जो बड़े बड़े नेताओं थे उनके बीच में किस तरह से डिबेट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, उन्होंने एक डेमोक्रेसी एक रूल जो हमारा गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन हो उसका एक वे है डेमोक्रेसी। ठीक, लेकिन डेमोक्रेसी फॉर जस्टिस, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस की बात कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। क्या ये जो डेमोक्रेसी है रूल जो डेमोक्रेसी वे ऑफ रूल है, क्या ये इन तीनों चीजों को इम्प्लीमेंट करने में लागू करने में क्या आज तक मतलब आज तक क्या जैसे आपने कहा बिहार में आपको लगता है शायद मैं जहां तक जानता हूं पहले से स्थिति सुधरी है, यही लोकतंत्र की ताकत है। जैसे आपने कहा ना कि पहले चुनाव वहां पर लोग किस तरह से लूट लिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होता था, ये सही गांव में आज भी बहुत खराब हालत है। 6.5 लाख से अधिक गांव में कई स्थितियां आज भी बदतर हैं। इसलिए जो आवाज जैसे आपने कहा इतनी दूर से आकर के आज आप यहां आवाज उठा पा रहे हैं, कोई ना कोई आवाज सुनता है। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं जरूरी नहीं कि हम आप यहां बैठ के दिल्ली में पढ़े, बिल्कुल कोई नागालैंड में असम में बिहार में दूर दराज के लोग यदि पढ़ते हैं रेडियो सुनते हैं प्रभाव होता टीवी देखते हैं तो उसके बाद वो जो आपने कहा ना गांव के लोग प्रेशर डालेंगे ऐसे जो अभी जगदीप जी भी कहा ऐसे उम्मीदवारों को आगे चुनाव में लाएंगे नहीं तुम्हें काम करना होगा तुम्हारी जवाबदेही होगी जो शुरू से हम कह रहे कर्तव्य और जवाबदेही इस लोकतंत्र में अभी उसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है। ठीक, मैं इस बात से बिल्कुल इनकी सहमत। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक सर यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आप लोगों से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो युवा वर्ग है वो क्या कुछ कर सकता है, उनके कर्तव्य क्या कुछ हो सकते हैं और उसके बाद बेहतर होगा कि सवाल पूछे जाएं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पर अपने लोकतंत्र को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। हम बात कर रहे हैं युवा लोकतंत्र की। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। हम भी यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सर, दर्शकों के ही कुछ और सवाल हैं युवा वर्ग के। जी आप पूछें। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि लोकनीति में हम लोकनीति में एक जिसे डेमोक्रेसी भी कहा जाता ठीक है ठीक है तो उसमें राजनीति एक राजा की नीति हुई तो राजनीति वर्ड आया कहां से? ये लोकनीति होनी चाहिए यहां पे। तो आपने सारे में भी राजनीति पूछा ठीक है, राजनीति का कुछ राजा जैसा ही कुछ महसूस होता है आपको? नहीं, मैं राजा नहीं हूँ ना। हाँ। राजा मैं हूँ तो लोकनीति होनी चाहिए, लेकिन राजा कौन है आज? ठीक है, क्या राजा जैसी स्थिति अभी बचती है 2014 में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। राजा सब जो वोट डालता है वो भी राजा है ना। हाँ। ये तो मानेंगे, तो राजनीति कहते हैं ना हम लोग, लोकतंत्र कह रहे हैं। अभी राजनीति में बात नहीं, राजनीति नहीं, हम तो लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक बात बोली थी कि चलता है, मतलब आपने कहा थोड़ा बहुत छुटपुट चीजें हो जाती होती हैं, होती है मैम। अभी आप ऐसे चलता है एटीट्यूड के साथ चलेंगे ना मैम तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, नहीं, ठीक है, चीजें होती हैं और होती रहेंगी भी क्योंकि हो गया मेरा आंसर। ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग जो गांव कस्बों से आते हैं वो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को, लोकतंत्र को, और क्या आप लोग अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं? आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें कहीं पूरी हो रही हैं इस पूरी व्यवस्था में? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी माइक। ऐसा लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में जनता के लिए काम कर, जनता के लिए काम करते। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि वे एक बार जीत गए फिर दोबारा गांव में या कहीं पर मुलाकात करने भी नहीं आते हैं। ठीक है, आप गांव से आते हैं, आपको लगता है कि गांव और शहर में भी बहुत ज्यादा अंतर है जहां पढ़ रहे हैं? ये जो अंतर है, क्या स्थिति ऐसी होगी? ऐसा यदि होता तो कई बार 4-4 बार जो लोग चुन करके आए वो भी हारते हैं, उन्होंने कहीं उनको हरा सकते थे। हाँ। और अभी गुंजाइश उसकी है। बिल्कुल, आप देखिए, इसीलिए कई लोग जो बहुत जीतते थे वो हारे भी हैं, पिछले चुनाव में ही हारे।
जिनकी बहुत बड़ी ये माना जाता था कि दादा हैं बड़े बड़े, उनके पास पैसा भी है, अरबपति लोग भी, आपको आश्चर्य होगा के बिरला आज से नहीं 67 71 उस समय के इलेक्शन में भी बिरला, जब खाली दूसरे कार्पोरेट हाउस नहीं थे, वो भी चुनाव हारे। तो इसलिए पैसे और डंडे के बल पर नहीं, लेकिन ठीक है गाँव को निग्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए अब जरूरत है कि ऐसे प्रतिनिधि आए। आप आदिवासी इलाकों में कई लोग काम करते हैं, गांव की ही बात मेहता जी, आप बड़े बड़े लोग हारे हैं, तो इंदिरा गांधी भी हारी है चुनाव, आप सब लोगों को मालूम होगा 1977 के चुनाव, इंदिरा जी भी हारी, इतनी पावरफुल लीडर, यही आप लोगों की ताकत है। ठीक है जगदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, बिल्कुल लोकतंत्र की परिभाषा यही नहीं है कि जो लोग चुन के आए वो जनता की सेवा करें। मैं समझता हूँ लोकतंत्र की परिभाषा ये होनी चाहिए, है कि नहीं है ये तो राजनीतिक लोग बताएंगे, राजनीतिक शास्त्र वाले, पॉलिटिकल साइंस को मैं राजनीतिक शास्त्र कह रहा हूँ जी, ठीक है, नहीं नहीं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है जी कहें। तो परिभाषा ये होनी चाहिए कि हर नागरिक को ये लगे कि जैसे देश चल रहा है, जैसे देश में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, उसमें मेरा कुछ दखल है, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि मेरी जिंदगी कैसे चले जी, मुझे ये महसूस होना चाहिए कि मैं उसमें कुछ मेरी वॉइस है। आज देश में ऐसे बहुत लोग हैं, और सिर्फ गांवों में नहीं है, शहरों में है, मैं तो कहूंगा हालांकि ये बड़ा अजीब लगेगा, बहुत से अमीर लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं वो? उनको एक तो देश में उदासीनता बहुत है कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चलेगा, अब सरकार बदल गई है तो शुरू शुरू बादल छड़ गए हैं मेरे ख्याल से, शुरू शुरू में बड़ा ज्यादा जोश था कि अच्छे दिन आ गए हैं, और 100 दिन होने के बाद कुछ लोगों ने उसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया है। मेरा किसी एक सरकार से ना तो कोई विरोध है ना कोई सपोर्ट है, अच्छी बात, लेकिन राजनीतिक वर्ग जो है उसको ये सोचना है कि उनका काम सिर्फ सत्ता में आना और अगली बार सत्ता में आने के लिए तैयारी करना वो नहीं है। ठीक है, सत्ता में आने के बाद उनको देश को चलाना है, उसको आप राजनीति कहिए या गवर्नेंस कहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, ठीक है, देश का उद्धार करना, जो इलेक्शन जीतते हैं उनका ये फर्ज बनता है कि देश का उद्धार करें, उसे मकसद पर अपना और अपनी पार्टी का और अपनी जात बिरादरी का उद्धार करने की बजाय देश के बारे में, देश का उद्धार करें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसी परिभाषा को थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखना चाह रहा हूँ कि लोक और तंत्र, इस इन दो शब्दों की तरफ हम थोड़ा देखें तो ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो उसका चर्या क्या हो सकता है? तो हम लोकतंत्र की किसी भी डिबेट को राजनीति से बहुत अलग हटकर नहीं देख सकते हैं जी। अल्टीमेटली हमको देखना पड़ेगा, आज हम सब लोगों में से कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं है ऐसा जो चुना हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या अधिकार है? जैसा मेहता जी ने बताया कि जो मतदाता है वही राजा है, यदि आप वोट देने जाएंगे अच्छे कैंडिडेट के लिए, आप अच्छे कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे तो आपका रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में या विधानसभा में अच्छा जाएगा, जो फिर लोगों के लिए काम करेगा, यही सफल लोकतंत्र हो सकता है। लेकिन इसमें गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन मूल बात यह है, लोकतंत्र का मतलब यह है कि ऐसा तंत्र विकसित करना जो लोगों के भले के लिए काम करे। जोड़ दूं जी, एक देखिए जो अभी कहा गया चुन करके, दिल्ली का उदाहरण है, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, जो प्रतिनिधि चुनकर आए, अब खाली इसलिए लड़ाई हो रही है कि सरकार बने या न बने, इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिन एमएलएज अभी भी हैं उन्होंने कहीं, कम से कम मैं जिस इलाके में रहता हूँ, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ वो कभी देखने नहीं आए कि झाड़ू लगी या नहीं लगी, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल, राजनीति का मतलब खाली राजनीति में बैठे रहना नहीं है, वो आम आदमी पार्टी चिल्ला रही आम आदमी के लिए, लेकिन ये जो युवा वर्ग सुख दुख के लिए कोई काम नहीं। आलोक सर, ये जो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं अपनी डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए? आप कुछ बताना चाहिए? मैं कह रहा कि जैसे सामाजिक, जैसे प्रतिपक्ष में भी कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, ये युवा है, वो चाहे विद्यार्थी परिषद में हो, एनएसयूआई में हो, किसी और जगह हो, लेकिन क्या वो उसको नहीं देखना चाहिए कि आपके मोहल्ले में मैं क्या कुछ थोड़ा सा सहयोग दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? दिल्ली जैसे शहर में भी लाइब्रेरीज का मूवमेंट मान लीजिए है, आज हजारों, आज भी दिल्ली में ऐसे बच्चे हैं इन युवाओं के आसपास रहते होंगे जिनके पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन कोई लड़ाई युवा संगठन ये बात पर नहीं करता, या एक प्रतिनिधि जाकर के जाकर दबाव डाले सांसद पर, विधायक पर, कारपोरेटर पर कि हमारे इलाके में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाइए, ठीक है, हमारे इलाके में सफाई कराइए, तो ये भागीदारी युवा करेंगे
तो मुझे लगता है एक दबाव बनेगा। एक सवाल पहले और खुद भी वो कुछ योगदान दे, अपनी किताबें दूसरों को दे देंगे पढ़ने के लिए, ये भी एक योगदान है। क्या कर सकते हैं, मतलब अधिकारों की बात हमने काफी कर ली, कर्तव्य क्या है, क्या आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए जो हम कर सकते हैं? कर्तव्य तो युवाओं को है ही, लेकिन मेरा एक सवाल है कि युवा लोकतंत्र की बात हो रही है, देश में लगभग 60 वर्ष हो गए लोकतंत्र जारी है, कई अच्छे कार्यक्रम भी हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अपने युवा वर्ग को हमेशा वो निग्लेक्ट करती हैं। चुनाव के दरमियान वे कहती हैं कि युवाओं को वोट देंगे, युवाओं को मतलब टिकट देंगे, लेकिन युवाओं को वे निग्लेक्ट कर देती हैं। ठीक है। और फिर किसी तरह से जो टिकट पाते हैं वे, चुनाव इतना महंगा है कि वे अपने किसी तरह से पैसा का व्यवस्था करके अपना चुनाव लड़ते हैं और जनता को भूल जाते हैं। नहीं, चुनाव के बाद छोड़िए, मेहता जी ने जो बात करी वो प्रश्न में पूछना चाहूंगा कि आप युवाओं में से कोई 3 या 4 की ऐसी टोली आपके पार्षद या आपके एमएलए के पास किसी आपकी स्थानीय समस्या को लेके गई क्या? क्या आप लोग कभी गए अपने विधायक या सांसद के पास, आपने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, आपके मन में कुछ इस तरीके का ख्याल? एमएलए या एमपी तो कभी घर पर मिलता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास कुछ आइडियाज हो, आपको लगता हो कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है, या आप लोग कुछ कर रहे हो ऐसा अपनी व्यवस्था को, अपने आसपास के माहौल को सुधारने के लिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी माइक। तो मैं यूपी के एक छोटे शहर से हूँ, फतेहपुर से। अच्छा। और वहाँ बचपन से देख रहा हूँ, जैसा शहर बचपन में था मेरा वैसा शहर आज भी है। वहाँ आज भी जरा सा मौसम खराब होता है, रात भर लाइट नहीं आती, एक फ्लाईओवर बनता है तो 5-5 साल फ्लाईओवर बनने में लग जाते हैं, वहाँ का पूरा एरिया खराब कर दिया जाता है, जरा सी कोई दिक्कत होती है बालूदार पानी आता है। तो इन जैसे शहरों के लिए कब अच्छे दिन आएंगे, कब हमारे शहरों का बदलाव आएगा? आपको कभी ख्याल आया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर, हमने एप्लीकेशन, मैंने रिटर्न एप्लीकेशन लिख कर दी वहाँ के जो पानी विभाग था, सिंचाई विभाग था, लेकिन आज तक कभी कोई रिस्पांस नहीं आता। ठीक है, तो चलिए इतनी भी उम्मीद थी। ये बात ठीक है, आप लोगों को दबाव बनाना चाहिए। जी अविलाश जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा कि युवाओं का, जैसे इन्होंने एक अकेले ने एप्लीकेशन दी, लेकिन आप लोगों को आपके स्थानीय प्रतिनिधियों के ऊपर, चाहे वो चुने हुए हो या नहीं भी हो, क्योंकि अगली बार आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, उनके ऊपर आपको दबाव तो बनाना ही पड़ेगा। आपको ठीक है, आप माइक, आपको बार-बार उन लोगों के ऊपर दबाव हर बार बनाना होगा। ठीक बात, आप माइक उनको दे दें। जगदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अभिलाष जी से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं। जी, एक युवा या 3-4 या 8-10 लोगों की टोली मिलके भी अगर किसी काउंसलर या एमएलए या एमपी से मिलने की कोशिश करेगी तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे जो आंदोलन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 4 लोग बैठे हैं, अब आंदोलन बनाना सर एक नॉर्मल साधारण युवा के लिए आसान नहीं है। क्यों सर ऐसा? आंदोलन बनाने वाले युवा, ये हमारे हेमंत जी बैठे हैं, हाँ। वो कहते हैं जी हमारे ऊपर वाले हमें कुछ करने नहीं देते, ये तो बेचारे आंदोलन बनाने की कोशिश में लगे हैं। क्या वास्तव में हेमंत जी बहुत मुश्किल है, आप लोग कुछ कर पाए? जी ऐसा है कि नेताओं को ना हवा बना दिया लोगों ने, वो सोचते हैं मिलेंगे नहीं, आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे मिलेंगे? अभी भैया कह रहे हैं, भैया कितनी बार गए नेताओं के, बस आप बताओ मुझे। ठीक है, आप कह रहे हैं नेता मिलते हैं? मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप बताओ, दिल्ली में जो देखिए, दिल्ली के एमएलए को 5:30 गोली मार दी, किस लिए? ठीक बात है, वो घर से निकले, उनको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। ठीक बात है, लेकिन छोटे, मेरा ख्याल है दिल्ली मुंबई के मुकाबले छोटे कस्बों में छोटी जगह पर फिर भी लोग मिलते हैं, ये बात सही है। ठीक, आदिवासी इलाकों में मिलते हैं, दिल्ली मुंबई की समस्याएं हो सकती है उस तरह की ज्यादा, लेकिन समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। आप लोगों से थोड़ा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे किस दिशा में और ज्यादा काम करने की जरूरत है, जब हम 2015 में चर्चा करें तो स्थितियां कुछ और ज्यादा बेहतर नजर आए। आलू जी, आपके कुछ सुझाव? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो संगठन, जो अभी मैं कह रहा था कि आप चुनाव जीते न जीते, जहां से आपने बात शुरू की थी, लोकतंत्र में चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं है। लोकतंत्र में जो लोग सक्रिय है, वो पहले ऐसा होता था, चाहे वो आरएसएस के लोग हों या कांग्रेस के हों, सीपीआई के हों, सीपीएम के हों, वो जाकर के मजदूरों के बीच में, आफ्टरऑल आप देखिए इंदौर जैसे शहर में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जीता करते थे, जी, तो आप ये देखिए कि वो क्यों खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने जनता से कट गए, बंगाल में क्यों कट गए। तो मुझे ऐसा मानना है कि जिनको संगठन की जो भूमिका थी पहले, ठीक है, जो चना और जिसको कहते हैं आरएसएस के लोग भी चना और वो खा करके आगे बढ़ते थे, तो चाहे वो संघ के लोग हो, क्षमा करेंगे मुझे, वो बाद में सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन वो सब सत्तू और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग अब नहीं मिलते। अब क्या है, वो हेलीकॉप्टर से चलने वाले, हवाई जहाज से चलने वाले, और तब ये समस्याएं आती है, तो जनता से जुड़ाव जरूरी है, नहीं मिलते संगठन के कार्यकर्ता से नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि कार्यकर्ता से नहीं मिले। लोकतंत्र में जरूरी यह है कि कार्यकर्ता की भागीदारी 5 वर्ष बनी रहे और वो तय करे ब्लॉक कांग्रेस, ब्लॉक, समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। अभी आलोक जी ने कहा बहुत संक्षेप में, आगे हम क्या करें? कार्यकर्ता से नहीं मिलते लेकिन जनता से मिलते हैं, एक गलत है। दूसरी बात यह है
जन ये भी आलोक जी ने कहा नेता लोग जनता से या संगठन से कट गए, नेताओं ने अपनी एक कैटेगरी बना ली है जो कहा गया कि नेताओं को हवा बना दिया गया हाँ। है जनता को हवा बनाने का शौक नहीं है, जनता के सामने हवा है, जनता ने उस हवे को पहचानना शुरू कर दिया है ठीक है, लेकिन जनता अभी तक उस हवे को कुछ ठीक करने का तरीका नहीं सोच पाई है ठीक है। युवाओं को जो करना चाहिए वो ये है हाँ। कि हर युवक को और ये सोचना चाहिए कि वो देश के लिए क्या कर रहा है हाँ। सबसे पहली बात वोट करें, सोच समझ के वोट करें और 10 लोगों को समझाएं कि तुम सोच समझ के वोट करो, अगर हर युवा ये करेगा तो देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है। आप लोग आधी आबादी हैं इस देश की, आप लोगों को लगता है कि हाँ आप लोग भी इस पूरी व्यवस्था से कहीं जुड़कर अपने आप को देख पाते हैं? माइक सर, मैं यूपी के एक छोटे से शहर से हूँ सर। मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे शहरों से आते हैं यहाँ पे दिल्ली बड़े शहरों में पढ़ने के लिए। मैं देखती हूँ कि उन्हें ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाते, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ज़्यादातर एजुकेशन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशन के उस ठीक है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को लेकर जो चीज़ आपको नज़र आती हो कि हाँ अभी हम लोग कहीं पीछे हैं पुरुषों के मुकाबले, हमें कहीं और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल बराबरी का भाव है? सर पहले था ऐसा, पर अगर हम अपने आप से सोचे कि हमें आगे बढ़ना है तो सर हमें कोई नहीं रोक सकता। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि खुद में जज्बा इस तरीके का हो। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पीछे माइक। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता से कि आप लोग फ्रेशर्स के लिए हमारे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते हैं जुरासिक पार्क में, और आप लोग इस पार्टी से पहले हमेशा वादा करते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हर बार लास्ट ईयर मैं फ्रेशर थी तो जोश जोश में अभी चली गई थी तो मेरी फ्रेंड के साथ बहुत बदतमीजी हुई वहां पर। तो इतने सारे कॉलेजेस वहां पर आते हैं तो आप लोगों को सेफ्टी वहीं पर नहीं दे पा रहे हो तो आप फिर सेफ्टी कैसे दोगे? देखिए माफी चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट थी तो मैंने एक सेल्फ डिफेंस कोर्स चलाया था लड़कियों के लिए डूसू के बलबूते पर, जिसमें से मैंने 52 कॉलेजेस में आवेदन दिया था कि मैं ये ऐसा करना चाहती हूँ। सिर्फ 24 कॉलेज ने मुझे परमिशन दी थी और 18 में मैं कर पाई थी, किन्हीं कारणों से मैं बाकी में नहीं कर पाई लेकिन 18 में मैं कर पाई थी और कम से कम भी 1200 के करीब लड़कियों ने उस चीज का फायदा उठाया। लेकिन था। फिर भी लेकिन उस समय अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। की गंभीरता है कुछ और कुछ और सवाल भी ये कहना चाहती हूँ सर, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत ही संक्षेप में कि डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव और राजनेता और राजनीति तक ही सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मतलब है जो इंसान अपनी 2 जून की रोटी कमाने में लगा हुआ है, जिसे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उसकी बात भी संसद में उठे, ये लोकतंत्र है और उसकी झलक दिखती भी है कई बार। आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? सर हम बिहार के एक छोटे से जिले से बिलोंग करते हैं जी, वहाँ पे हम शुरू से देखते थे छात्र संघ के चुनाव वगैरह सब में पैसे दिए जाते थे, पार्टियां दी जाती थी, तो हम समझते थे कि दिल्ली जैसे बड़े विश्वविद्यालय सब में ऐसा नहीं होता होगा, मगर यहाँ आने पे सर वही चीज बहुत बड़े पैमाने पे दिखने लगती है। ठीक है, तो सर ऐसा नहीं हो सकता? राजनीति में भी है। जगदीप जी ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा नहीं है बिल्कुल इसलिए जागरूकता नहीं है, यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो मैं पहले बता रहा था उसमें 19वां बिंदु है, ए सस्टेन्ड स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी दस रिक्वायर्स ए डेमोक्रेटिक क्लाइमेट एंड कल्चर कॉन्स्टेंटली नर्चर्ड एंड री इन्फोर्स्ड बाई एजुकेशन एंड अदर व्हीकल्स ऑफ कल्चर एंड इट्स फॉर्मेशन। हेंस ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी मस्ट बी कमिटेड टू एजुकेशन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द टर्म एंड मोर पर्टिकुलरली सिविक एजुकेशन द शेपिंग ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी। जी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो नागरिकता सिखाता ही नहीं है बिल्कुल, शिक्षा का मतलब नौकरी और रोजगार ही है, वो सिर्फ ये सिखाता है कि कैसे पैसे कमाने हैं बिल्कुल, और उसके लिए बेईमानी करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं वो उसका है। अधिकार मिला है ये भी इस लोकतंत्र की बड़ी पिछले लागू होना चाहिए ठीक है। लेकिन 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 अभिलाष सर आपको लगता है सर सुन अभिलाष सर आपको लगता है कि अभी जो ये बुनियादी मुद्दे हैं मतलब शिक्षा की बात हो रही है स्वास्थ्य की बात हो रही है जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और आप ही ने कहा था कि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति काफी कुछ काम करना अभी बाकी है। निश्चित रूप से आप यदि देखें नए प्रधानमंत्री भी उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अब यदि हमारे
सरकारी पाठशालाओं में यदि टॉयलेट नहीं बन रहे हैं 67 साल बाद, या बच्चों के लिए हम अच्छा पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, या जैसे महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये कैसा लोकतंत्र है? ये भी एक उसका एक दूसरी पहलू है, दूसरा पहलू है। लेकिन ये लोकतंत्र जैसे जैसे इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, हम अभी डेवलपिंग स्टेट में है, तो हमको वो आगे जाते जाते ये सारी चीजें करना चाहिए। लेकिन आप इसके लिए जनता में सब्र नहीं बचा, आप लोगों को बहुत जल्दी से रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिव जुडिशियरी, इसकी आवश्यकता है। और उसी के आधार पर आप देखें, अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो था वो किसी कारणों से वो हो गया, लेकिन उस दौरान जो युवाओं ने जो अपना सड़क पर आकर जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, वो उन सारी चीजों में अलग अलग मुद्दों पर करते रहे तो शायद अच्छे परिणाम अच्छे परिणाम जी। ये बहुत सही बात है, जनता में अब धैर्य नहीं रहा और युवा वर्ग में तो धैर्य और भी कम है। और अगर हमारे राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इस बात को नहीं समझेंगे तो मुझे ये कहने में बहुत दुख होता है और डर लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, लेकिन अगर क्रांतिकारी चीजें शुरू हो गई तो वो गलत, उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 2015 तक जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी परिपक्व होती है तो स्थितियां और बेहतर होंगी, ये मान लिया जाए अगले साल? देखिए, हम तो आशा पर आकाश टिका है, कहीं कविता है उस तरह की, तो हम लोगों को लोकतंत्र में ही आशा बनती है। देखिए, तानाशाही में कोई आशा नहीं कर सकते, मुझे जेल में अभी मैं बोल कर गया, बाहर मुझे बंद कर दिया जाए तो वो तानाशाही है। लोकतंत्र में आशा हमारी है। ये सही है कि जो स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा, सफाई, काफी काम करना सब बाकी है, काम की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए मुझे उम्मीद है कि 2015 में देखिए ऐसा क्रांति हो जाएगी, ऐसा मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन स्थितियां सुधर रही हैं। लेकिन यदि सब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे, न्यायपालिका जैसे कुछ बीच में हस्तक्षेप कर रही है, दिल्ली में प्रदूषण रुकने में बहुत बड़ी भूमिका न्यायपालिका की। सर, समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, मुझे लगता है सबकी भागीदारी होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। बहुत सारे सवाल हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, समय की पाबंदी है, माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छी बातें इस चर्चा में निकल कर आई हैं और उम्मीद करते हैं कि जब हम अगले साल भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो काफी कुछ और अच्छा गिनाने के लिए हमारे पास होगा। तो यही, इसी वाक्य के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, ये मानकर कि आने वाले दिनों में स्थितियां और ज्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि लोकतंत्र के परिपक्व होने की एक लंबी और सतत प्रक्रिया है जिसमें काफी वक्त लगता है, हमें सिर्फ 6 दशक ही बीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए, आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।